हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की, वही हम देखेंगे इस टैग से हम देखेंगे। उसके अलावा मैं और भी टैग यूज़ करूँगी। और एक रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ जो गाइडेंस दी जाती है लास्ट में, प्लीज़ आप उसको स्किप ना करें, उसको ज़रूर देखें, बिकॉज़ आई फील कि वो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। या फिर यू नो, आप जो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आई फील कि आपको गाइडेंस के थ्रू वो मिल सकता है। सो कभी भी गाइडेंस को मिस ना करें, उसको ज़रूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और या अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक जनरल टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते क्या आता है रीडिंग में, लेट्स सी। ओके, द एम्परर एंड डेथ। ओके, फाइव ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हायरोफेंट। ओके, टेन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, द डेविल। ओके, द मैजिशियन, द लवर्स, नाइस, एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं साइन की बात करती हूँ। यहाँ पर साइन जो है, यहाँ पर एरीज स्ट्रांग है, मेष राशि, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि, एयर साइन यहाँ पर स्ट्रांग है, पूरा का पूरा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, तीनों साइन स्ट्रांग है। टॉरस, वृषभ राशि स्ट्रांग है, जेमिनी स्ट्रांग है और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पर स्ट्रांग है। तो ये साइन यहाँ पर स्ट्रांग है, उसके अलावा सारे ही साइन अवेलेबल हैं। ओके, सो सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर की एक आदत है कि हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। नॉर्मल इंसान जितना सोचते हैं उससे कुछ ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि एक बात को एक इंसान अगर मान लो 5 दिन तक भी उसके बारे में सोचता है तो इनका एक्स्ट्रा ही चलता है। ये 10 दिन तक भी नहीं बोलते, महीनों तक नहीं बोलते, इनके दिमाग में वो बातें घूमती रहती है, घूमती रहती है। पुरानी से पुरानी बातें भी यू नो, एक साल पहले की बात भी इनको ना अगर याद आ जाए तो वो परेशान कर देती है। और फिर वही कि इनको एक आदत है, एक तरीके से यू नो, इनकी प्रॉब्लम है कि जल्दी से चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते, लेट गो नहीं कर पाते हैं। एक होता है ना कि कोई चीज़ हो गई सो हो गई, हम कहते हैं कि अब हो गया, बदल नहीं सकते, सो हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं और भूल भी जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बट ये काम करने में आपके पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। और दूसरी बात ये कि जो नॉर्मली लोग टाइम लेते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लेते हैं चीज़ों को भूलने में और लेट गो करने में। तो ये चीज़ जो है आई फील कि इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की तरह है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह है कि इनको टेंशन लेने की आदत है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे। क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, मतलब कि जो इनको करना है वही ये करेंगे, जो ये चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो मतलब कि इनको फिर उससे कोई मतलब नहीं होता, उस चीज़ से ना, उस इंसान से। इनका यही है कि जो मैं कह रहा हूँ या फिर मैं जो चाह रहा हूँ वही होना चाहिए। सो ज़िद्दी भी है और आई फील कि या तो ये किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हैं या फिर ऐसा मुझे लगता है कि इनके इनके पास ना
नॉलेज है हर चीज़ की, कहीं ना कहीं इनकी एक आदत रही है कि कोई भी काम दे दो तो ये मना नहीं करती हर काम को, यू नो आए ना भी आए ना तब भी एक बार ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और जो एक आदत है ना कि ट्राई करने वाली, इससे क्या है कि इनके पास एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, कि ये जो है हर फील्ड में किसी भी चीज़ में अगर इनसे हेल्प मांगो तो ये जो है उनकी हेल्प कर देती है, कर सकते हैं बिकॉज़ इनके पास वो चीज़ है, क्योंकि ये उसको एक्सपीरियंस कर चुकी है, जैसे कि हर चीज़ को ट्राई करना। कोई इंसान है जो कि हर चीज़ ट्राई करेगा तो डेफिनेटली उसके पास बाकियों से एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा हर चीज़ का। सो इस वजह से क्या होता है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं या फिर इनसे जो इनको जो जानते पहचानते लोग हैं ना, वो लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके नॉलेज की वजह से, इनके एक्सपीरियंस की वजह से, और इनकी जो भी समझ है जितनी भी हर चीज़ को लेकर के उसकी वजह से। बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का जो काम अटका होता है ना, कई बार इनकी सलाह से वो हो जाता है कि लोगों का काम अटक गया, कि वो कुछ एक कोई भी काम है जो कि कर नहीं पा रहे, इनसे सलाह मांगेंगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये अच्छी सलाह दे देते हैं। आई फील कि वो चीज़ जो है इनको एक दूसरों की नज़रों में जो है ऊंचा उठा देती है, एक रिस्पेक्ट बना देती है कहीं ना कहीं। बट आई फील कि कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ, जैसे कि एम्परर के कार्ड के बगल में ही डेथ का कार्ड है, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से जो इनका ईगो है ना वो ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं इनके ईगो को ठेस पहुंची है, ठीक है। यू नो इन्होंने एक चीज़ ज़रूर समझी है, सबसे पहली बात तो डेथ का कार्ड बताता है ट्रांसफॉर्मेशंस को, कुछ एंडिंग्स कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कुछ एंडिंग्स एंड कुछ न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बताता है। टावर का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को होता है, बट ये दोनों कार्डों में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि टावर के कार्ड में होता है कि जितने भी बुरी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव लोग या रिश्ते जो जुड़े होते हैं आपसे वो छूटते हैं, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग नहीं होती, बस वहाँ पर क्या होता है क्लीन, कहते हैं ना कि एनर्जी क्लींस जो हम करते हैं वहाँ पर ऑरा क्लीन होता है। टावर के कार्ड के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसमें ऑरा जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या लोग बहुत ज़्यादा आ गए वो निकलते हैं आपकी लाइफ से, वहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग नहीं होती है। न्यू बिगनिंग तो फिर वो है कि उनको निकलने के बाद आप किस तरीके से किस डायरेक्शन में चलते हो वो न्यू बिगनिंग होती है, बट वो टोटली आपके ऊपर होती है। बट डेथ का कार्ड बताता है कि आप चाहे खुद से चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी और कुछ चीज़ें नहीं शुरू भी होंगी, वो भी अपने आप लाइफ में, आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके जो पार्टनर है ना उनका ईगो ब्रेक हुआ है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसा हुआ है जो कि एंड हुआ है इनकी लाइफ में, एंड जो वो एंड हुआ है उसने इनको इतना कुछ सिखा दिया है कि कहीं ना कहीं ये खुद फील करते हैं कि ईगो से लड़ाई झगड़े ही होते हैं, ईगो से और रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। ये चीज़ तो इनको समझ में आ गई है कि ईगो जो है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही क्रिएट करती है, प्यार रिश्तों में प्यार नहीं बढ़ सकती। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये समझ में आया। और एक न्यू बिगिनिंग अपने आप अगर आप देखो तो वो अपने आप है, कैसे ये चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन जब इस तरीके से सोचेंगे कि एक रिश्ते में ईगो लड़ाई झगड़े करवाती है, सो कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि एक रिश्ते को किस चीज़ की ज़रूरत है। सो कहीं वो न्यू बिगिनिंग ये खुद से नहीं कर रहे, वक्त जो है कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसे सरकमस्टांस बन रहे हैं कि ये खुद ही उस चीज़ में कब ये वैसे मिल जाएंगे उस एनर्जी के साथ, इनको खुद को पता नहीं चलेगा। सो आई फील कि ये इंसान जो दिमाग से बहुत सोचता था बट अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ये दिल से भी सोचने लगा है। बट हाँ फिर भी अगर मैं बोलूँ कि आपके रिश्ते के लिए, आप दोनों के बीच के रिश्ते के लिए, फिर भी ये इंसान कंफ्यूज है। बेशक ये इंसान जो है आपके बारे में आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपके बारे में सोचता है और आपके लिए इमोशनल भी फील कर रहा है, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड ही हायरोफेंट है, आपको पता है कि ये एक फैमिली का कार्ड है जो कि फैमिली इश्यूज को बताता है, और साथ ही साथ ये भी कि जो फैमिली गुरुज होते हैं या जो कि यू नो जिनके सबके होते हैं, सब मानते हैं किसी न किसी को कि ये मेरे गुरु हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा होता है, हर किसी के साथ भी नहीं होता है बट ज़्यादातर फैमिलीज़ में होता है। सो या तो ये है कि इनके फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा सुनते जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर ये है कि इनकी फैमिली ही
कुछ इस तरीके की है कि इनको कभी समझ में ही नहीं आता कि ये क्या करें। या फिर मैं एक चीज़ बोलूँ कि इनकी फैमिली जो है जो भी इनके साथ करती है, इनको ये लगता है कि हाँ ये मेरी फैमिली और मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना है, बट इनके आँखों पे एक तरीके की ऐसी पट्टी बन गई है कि इनको ये चीज़ दिख नहीं रही है कि इनकी जो फैमिली है ना सिर्फ और सिर्फ इनका यूज़ कर रही है। यू नो, एक होता है कार्मिक फैमिलीज में ये होता है। मम्मा पापा की तो मैं नहीं कह सकती, बट जैसे भाई बहन वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे कार्मिक्स होते हैं फैमिली में, जिसकी वजह से ये होता है कि एक तो इंसान पूरा 100% देता है अपना, और दूसरा उसको धोखा देने में लगा रहता है, हमेशा उसको काटने में लगा रहता है कि हमसे आगे नहीं ये निकल जाए कहीं, बट वो चीज़ जो है आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे। इनकी फैमिली में भी एक तरीके से मैं बोलूँ कि पॉलिटिक्स खेली जाती है, वहाँ पर भी गेम्स खेले जाते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज़ इनको अपना 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 दिखता है, बाकी दूसरा नहीं दिख रहा है। ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो है इनके अंदर बदलाव ज़रूर आ रहे हैं। ये जो जिस तरीके की लाइफ जी रहे थे, जिस तरीके से सोच रहे थे, उसमें डेफिनेटली बदलाव आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे फैमिली के लिए, तो देखो ये इमोशनल रहे हैं हमेशा से, और इमोशनली इन्होंने सोचा है हमेशा दिल से। लेकिन जो भारी और लोग हैं या फिर आपका रिश्ता या आप हो, तो ऐसी जगहों पर ये दिमाग बहुत यूज़ करते थे। बट आई फील कि अभी इस रिश्ते के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, आपके बारे में कहीं ना कहीं दिल से सोच रहे हैं। इनको लगता है कि दिमाग से काम नहीं चलेगा। इनको ये चीज़ तो समझ में आई है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कि रिश्ते एक तो दोस्ती का हो, चाहे कोई प्यार का रिश्ता हो या फैमिली के साथ रिश्ता हो, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। अच्छे रिश्ते बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, लॉयल फ्रेंडशिप, लॉयल पर्सन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये एनालाइज कर रहे हैं, नहीं इस चीज़ को फील कर पा रहे कि हाँ ऐसी बात है, और ऐसे रिश्ते को खोना मतलब कि बेवकूफ़ी है, एक तरीके से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर मैं बोलूँ कि न्यू बिगनिंग जो अपने आप ही शुरू होगी। दरअसल इनके मन में वो चीज़ उठने लग गई कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, वो भी इसी का पार्ट है कि इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बट एक एनर्जी और मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस टाइम में जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं। ये जो है शांत नहीं है इनका दिमाग, या फिर मैं बोलूँ इनका मन भी शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैन ये फील कर रहे हैं और आपको मिस भी बहुत करती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, डेविल का कार्ड है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके लिए रोमांटिकली बहुत सारे थॉट्स आते हैं इनके दिमाग में, और बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। दरअसल आई फील कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे पास कोई है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर पाऊँ, जिसको मैं अपने दिल की बात बता पाऊँ। सो कहीं ना कहीं आपको इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको इस टाइम पे जो जिस तरीके की इनकी लाइफ चल रही है, जहाँ पर सब कुछ उथल फुथल मची हुई है, उस टाइम पर इनको कोई ऐसा चाहिए जिसके गले लग के थोड़ी सी शांति इनको मिले। ठीक है, और ये थोड़ा सा अपने जो मन में जो इतनी सारी बातें हैं, दिमाग में इतनी सारी जो कंफ्यूजन है, उसको बोल करके थोड़ा सा शांति ये फील कर सके, तो ऐसा इनको कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली चाहिए। एंड ये जो है बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते के बारे में आपके बारे में नहीं सोचते। दरअसल वो आप ही पर्सन हो जिनके गले लग करके ये पीस फील करते हैं, या फिर जिनसे अपने दिल की बातें शेयर करके इनको बड़ी शांति मिलती है, इकलौते आप ऐसे पर्सन हो। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके जो सपोर्ट है, आपका जो प्यार है, इनके साथ खड़ा रहना है, या इनको इनका आपके साथ जो जितना भी वक्त बिताते हैं, बहुत पीसफुल होता है वो टाइम, इनके लिए बहुत सुकून भरा वो टाइम होता है। सो कहीं ना कहीं उस टाइम के बारे में बहुत सोचते हैं कि इनके मन में ये भी थॉट चलता है कि एक तो ये कि मैं इस रिश्ते को ठीक करूं, इसमें बैलेंस बनाऊं, दूसरा ये कि काश में ये चले जाते हैं, कि काश मैंने बैलेंस बना लिया होता तो हमारा रिश्ता आज ऐसा होता।
काश अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो हमारा रिश्ता ऐसा होता, काश जो अब जो मेरे अब मक्खियाँ मेरे चारों तरफ बिनबिना रही हैं, अगर उनको मैं एक्सेप्ट ना करता, उनकी तरफ ना अट्रैक्ट होता, बिकॉज आई फील कि थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, सो अगर उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता तो हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत होता, इसमें बैलेंस होता और सब कुछ बढ़िया होता। तो काश वाले थॉट्स भी इनके दिमाग में आ रहे हैं और कुछ ऐसी इनकी लाइफ चल रही है, एक तरीके से मैं बोलूँ कि सब कुछ जो है उलझा हुआ है एक मकड़ी के जाले की तरह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट फिर भी लाइफ चल रही है। बट लाइफ इनकी ऐसी चल रही है कि इनका दिल बहुत भारी है और बहुत सारी बातें इनके दिल के अंदर है जो कि किसी को शेयर करना चाहते हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा पर थके हुए हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा थके हुए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और काफ़ी सारी जब लाइफ को देख रहे हैं अपनी को कितनी उलझ गई है, तो डेफिनेटली टेंशन ज़रूर हो रही है। वहाँ पर इनको कुछ सुकून के पल चाहिए और बस यही सारी इनकी चल रही है एनर्जी, ये ज़रूर मुझे दिखता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो है पार्क वगैरह इन्होंने अभी जाना शुरू किया है ताकि थोड़ा सा माइंड इनका शांत हो, बट मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ ज़्यादा खास इनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जब वहाँ पर निकलते हैं, जब वहाँ पर और लोगों को देखते हैं, देन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जो भी आप जो कुछ ना कुछ उस गार्डन में या पार्क में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में इनको आपकी याद आती है, या तो किसी को देख करके या किसी तरीके का कुछ भी, या तो ऐसा कोई पार्क या गार्डन है जहाँ आप मिले हो, या कुछ ऐसी बात तो है कि वहाँ जाने के बाद में ये आपको ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी इस डेक से, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस डेक का यूज़ नहीं किया है। ऑलराइट, यहाँ पे है इम्पार्शियलिटी जो कि बैलेंस की बात करता है, वैनिटी, ओके, परफेक्शन, सेल्फ वर्थ, क्रिएशन एंड वर्कहोलिक। बॉटम द डेक से है रिलीज, रिलीज़ का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करे, जैसे कि ये वैनिटी वाला कार्ड क्या बताता है, ईगो को बताता है, तो ईगो को कहीं ना कहीं ये रिलीज़ कर रहे हैं। और जो इनके मन में एक रहता था ना कि मैं ही सबसे बढ़िया, मैं ही सबसे बेस्ट है, फिर मेरी ही बात सही है, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ से भी बाहर निकल रहे कि नहीं, ऐसा जो है मेरे लिए ही ठीक नहीं है। बिकॉज़ जब भी ये कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट और मैं जो करता हूँ या जो सोचता हूँ वो बिल्कुल सही, तो कहीं ना कहीं एक ईगो का जन्म होता है वहाँ पर, कहीं ना कहीं इनको एक घमंड ज़रूर आता है, और उस घमंड की वजह से जो है कहीं ना कहीं ये खुद को, जो ये खुद है ना, उस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं। सो इनको ये फील हुआ है कि ये चीज़ें नेगेटिव हैं और इनको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको जब मैं रिलीज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं पहचानूंगा, अपने आप को पहचानूंगी, जानूंगी कि क्या मतलब दरअसल मैं आखिर में मैं हूँ क्या। और यू नो इनके अंदर टैलेंट बहुत है, ये बहुत दिमाग के भी बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं नॉलेज भी इनके पास बहुत अच्छी, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाबी इतनी बड़ी नहीं है जितना कि डिज़र्व करते हैं, इनको खुद को ऐसा फील होता है। एंड ये जो पर्सनालिटी है इनकी, ये बताती है कि इनके पास नॉलेज भी बहुत है और इनके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, ना दिमाग की, ना लुक्स की, ना किसी भी चीज़ की, बट उसके बावजूद भी बाकी लोग बहुत कामयाब हैं लेकिन ये बहुत पीछे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि ईगोस्टिक बहुत है और हर चीज़ में ये मानना कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ही सही हूँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको पीछे कर देती है। तो इनको लगता है कि ये चीज़ छोड़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारी विजडम इनके लिए लेकर के आ रहा है, दरअसल ये अपनी लाइफ को बैलेंस में करके दोबारा से कलरफुल पेंट्स करना चाहते हैं, जहाँ पर खुशियाँ हैं, एक्साइटमेंट है और लाइफ जो है इंजॉय कर रहे हैं, सो बैलेंस में करके उन लाइफ को दोबारा से पेंट करना चाहते हैं। क्रिएशन का कार्ड है, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं और ये यूनिवर्स की भी एनर्जी देता है कहीं ना कहीं ये कार्ड। सो आई फील कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये सही रास्ते पर आए, जहाँ ये भटक गए ये वहाँ से उठ के सही रास्ते पर आए और जो सच में इनके लिए जो काम बनाए उसको करे, ताकि ये बिना मतलब का घमंड लेकर के घूमे। सो इसीलिए आई फील कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था इनके लाइफ में, इनके घमंड को ब्रेक करने के लिए, ताकि ये सही तरीके से सोच सके, ताकि सही काम कर सके और सही रास्ते पे चल सके। सो ये बहुत ज़रूरी है। एंड मैं यहाँ से लास्ट में आपके लिए गाइडेंस देखूँगी,
सो देखते हैं इन कार्ड से देखूंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। एग्जिस्टेंस, द लवर, गाइडेंस, सेलिब्रेशन, लेजीनेस एंड पार्टिसिपेशन। बॉटम द डेक से है स्ट्रेस। ओके, आई फील आप किसी ना किसी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, किसी की भी हो, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है। आई फील कि किसी ने आपको गाइड किया या कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ ऐसा है जिसकी जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वैसा ही आप करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो और यू नो अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। ये भी अच्छा है कि गाइडेंस में आपको मिला है कि आप जो है जितना अपने ऊपर फोकस करो या फिर जितना अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दो, जैसे आप पहले लाइफ जीते थे, अगर आप वैसे लाइफ को जीते हो तो आपका रिश्ता सुधरेगा। आई फील ऐसी आपको कहीं ना कोई गाइडेंस मिले या फिर इससे भी ज़्यादा, बट आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इसको कंटिन्यू करें सबसे पहली बात तो, एंड दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप ज़रा ये चीज़ को देखें, आपको ये चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ डिज़र्व करते हो। ठीक है, कैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, मतलब कि आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के हो। अगर आप किसी को गाली नहीं देते हो तो आप ऐसे पर्सन को अपना दोस्त कैसे बोल सकते हो जो गाली पे दे करके ही बात शुरू करता है, राइट? सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानो कि आप किस तरीके के हो। आप जिस तरीके के हो आप वैसे ही पर्सन अपनी लाइफ में उनको ही आने दो। ये है कि हम जो है ये कोशिश करते हैं कि हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बट मैं आपको एक बात बोलूं कि जो जैसे कि हम किसी को गाली नहीं देते, बट कोई ऐसा इंसान है जो कि गाली देते हैं, उसके साथ हम दोस्ती रखते ना, तो उसकी संगति का असर हम पे कब पड़ जाता है पता नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि वो इंसान जो है अभी हंसी मजाक में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक टाइम पर जो है वो चीज़ें आपको बहुत अंदर तक हर्ट करती हैं, पता भी नहीं चलता, और अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा एक टाइम पर फिर जब वो रिश्ता या फिर वो लोग जब दूर होते हैं ना, तब बहुत बुरी तरीके से होते हैं। बिकॉज़ एक तो हंसी मजाक ठीक है, बट वो हंसी मजाक भी अगर हेल्दी हो, चाहे वो फ्लर्ट हो, चाहे वो किसी तरीके का हंसी मजाक हो, अगर वो हेल्दी हो तो तब तक ठीक है। लेकिन शुरू तो सब हेल्दी ही कहते हैं, लेकिन बाद में जाकर के सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी इरिटेटिंग हो जाती है कि फिर सब कुछ बहुत बुरा लगने लगता है। तो इसलिए उस चीज़ से बचें। आप ये चीज़ देखें कि हाँ ये इंसान अगर ढंग से है तो वैसे ही लोगों को आप अपने यू नो फ्रेंड जोन में रखो, वरना उनको बाहर निकालो। सबसे पहली बात तो ये, बिकॉज़ आई फील कि आपके आस के पास नेगेटिविटी बहुत है या फिर जो लोग हैं वो नेगेटिव बहुत है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि यू नो आप किसी भी चीज़ में किसी भी काम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक आलस आ जाता है। फील आपका टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, या फिर मन तो करता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, बट करते नहीं हो, वो एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोचते हो। लोग आप सिर्फ सोचते रह जाते हो, लोग उस काम को कर जाते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप उस चीज़ को करो, आप उठो। इस तरीके से आपको आलसी नहीं रहना है, अगर आलसी रहोगे तो लोग जो हैं आगे बढ़ जाएंगे, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। सो आपको ज़रूरी है कि जब भी आपको आलस आए तो आप एक चीज़ एक टेक्निक आप अपना सकते हो कि आपको ना एक माइंड में ये चीज़ बिठानी है कि मुझे 3 तक काउंट करना है या फिर मुझे 5 तक काउंट करना है। जैसे 3 बोला है, जैसे 5 बोला, चाहे कितने ही आलस आ रहे हो, मुझे उठ कर के खड़े हो जाना है कि हाँ मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। सो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। 1, 2, 3 कहते हैं आपने उठना है, चाहे फिर आपका मन बिल्कुल ना कराओ लेकिन उठना है, और उसके बाद काम में लग जाना है। अपने आप जो एक लो एनर्जी होती है ना, लेजीनेस वाली, वो कहीं ना कहीं आपकी धीरे धीरे करके उसमें सुधार आ जाएगा। आप जो ये मन करते हैं ना कि मेरे को ये काम नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा, कल कर लूँगी या बाद में कर लूँगा, 1 घंटे बाद कर लूँगी, 2 घंटे बाद कर लूँगा, तो उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। बिकॉज़ आपका
उसकी वजह से बहुत सारी ग्रोथ है जो कि रुकी हुई है। और दूसरी बात ये कि जो भी आपको गाइडेंस किसी ने दी है या फिर आप जिसकी भी गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ आपको उसको कंटिन्यू करो, बहुत अच्छी गाइडेंस है, आप आगे बढ़ो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।